दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर एक स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला, बल्कि इसको लव स्टोरी कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरे आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये कहानी है सोदिया की, जहाँ पे एक बिज़नेस वुमेन जो कि एक बहुत ही अमीर घराने से तलक रखती है और इनका अपना बिज़नेस है, इनके बिज़नेस की वेल्थ आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इनका कितना बड़ा सेटअप है, कितना बड़ा बिजनेस वुमन टाइकोन है। इनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ही देर के बाद। तो ये जो साथ में साहब नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह इकबाल के शाहीन हैं, जैसे याशिर स्वामी साहब कहते हैं, और इनका तलक पाकिस्तान से है और ये उनके ड्राइवर हैं। तो दोस्तों ये उनके ड्राइवर हैं और उन्होंने इनके साथ शादी करने का ऐलान किया और उसके बाद शादी भी कर ली। वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को रिंग भी पहना रहे हैं और एक दूसरे से शादी के बंधन में भी बंध चुके हैं। तो इनकी अगर बात की जाए तो ये इनके पास एज अ ड्राइवर काम करते थे और पाकिस्तानी नेशनैलिटी से इनका ताल्लुक है और हमारे भाई हैं और वहाँ पर जो है वो नेशनैलिटी इनकी पाकिस्तानी है। और इनकी अगर जो खातून है उनका नाम बताया जा रहा है, साहू नाम बताया जा रहा है उनका, उनका जो आपको नेटवर्थ मैं आपको बताऊं, $8 बिलियन हैं। $8 बिलियन, एक इतनी बड़ी रकम के पाकिस्तान ने सऊदीया को $2 बिलियन देने थे तो पाकिस्तान के पास वो $2 बिलियन नहीं थे, इतनी हमारी जो सिचुएशन थी। फिर वो चाइना की मदद से हमने वो $2 बिलियन जो है वो उनको वापस किए। तो साहू बिन अब्दुल्ला अल महबूब इनका पूरा नाम है और इनकी जो सऊदीया के अंदर भी काफ़ी रेजिडेंशल बिल्डिंग, रेजिडेंशल टावर मौजूद हैं। उसके अलावा अगर इनकी इंटरनेशनली बात की जाए तो फ्रांस के अंदर भी इनका अपना टावर, रेजिडेंशियल टावर और बिल्डिंग्स एंड बिजनेस एंड ऑल दैट, मतलब ग्लोबली और जीसीजी के अंदर देखा जाए तो इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है। तो कुछ ज़राए के मदद से ये खबर आई है कि इन दोनों ने शादी कर ली और पाकिस्तानी जो इनके साथ है वो इनका ड्राइवर है। और मोहब्बत और पसंद जहाँ भी हो जाए तो इंसान को मतलब वो समझ नहीं आती, बस वो उस रिश्ते के अंदर चला जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे बेहतर चीज़ यही होती है कि आप सुन्नत रसूल के मुताबिक उस रिश्ते के अंदर जाएं, तो इससे बेहतर दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। तो आप वीडियो भी देख रहे हैं उनकी शादी की, उनके निकाह की, उनकी जो एंगेजमेंट हुई अपने आपस में दोनों रिश्तों के अंदर, दोनों फैमिलीज़ के अंदर, आप वो स्क्रीन पर भी इस वक्त देख सकते हैं। तो अल्लाह ताला इनको खुश व खुर्रम रखे, इनको अपनी दूसरी जो ज़िंदगी है जिसका आगाज़ इन्होंने किया उसमें कामयाबी दे। लेकिन कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि ये स्टोरी बिल्कुल, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, फेक है, ऐसा है वैसा है, ये अभी उनके ट्विटर अकाउंट से हमें रियलिटी का पता चलेगा। अल्लाह हाफिज़।